यूक्रेन और रूस के बीच में जंग को छिड़े आज करीब 10 दिन हो चुके हैं, लेकिन युद्ध खत्म होने के आसार कहीं नहीं दिखाई दे रहे। नहीं लग रहा कि अभी इस जंग का अंत होने वाला है, बल्कि अब ये युद्ध और ज्यादा आक्रामक रूप लेता जा रहा है। ऐसे में भारत की मोदी सरकार यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को निकालने का लगातार प्रयास तो कर रही है, लेकिन अभी भी कई ऐसे छात्र हैं जो यूक्रेन में इन मुश्किल हालात में फंसे हुए हैं, अभी तक निकल नहीं पाए हैं और अब उनके आगे संकट खाने पीने को लेकर भी आने लगा है। बिना खाना पानी बिजली के लोग परेशान हैं और इस युद्ध की जमीन से निकलने के लिए छटपटा रहे हैं, सुरक्षित घर वापसी के लिए गुहार लगा रहे हैं, वीडियो जारी कर अपनी मौजूदगी का एहसास करा रहे हैं, बता रहे हैं कि अभी तो हम हैं लेकिन कल पता नहीं होंगे या नहीं। ऐसी परिस्थिति में जंग से कुछ भी नहीं लेने देने के बाद भी बच्चों के आगे विपदा बहुत बड़ी आन पड़ी है। इन बच्चों की मदद के लिए मोदी सरकार ने जी जान लगा दी है, उसके बाद भी विपक्ष ने इसमें राजनीति करने का मौका ढूंढ लिया है। इंडियन यूथ के नेशनल प्रेसिडेंट श्रीनिवास बीवी ने बच्चों की सुरक्षित घर वापसी को लेकर शुक्रवार को एक के बाद एक कई ट्वीट्स किए। ट्वीट्स के जरिए श्रीनिवास ने यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों के वीडियोस शेयर किए हैं, वीडियोस जिनमें छात्र मोदी सरकार से जल्द उन्हें खार्किव से बाहर निकालने की गुहार लगा रहे हैं। पहला वीडियो जिसमें छात्रा रो रही है, कह रही है हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, लोग मिलकर सरकार को चुनते हैं, लेकिन सरकार की ओर से हमें कोई मदद नहीं मिली। इस वीडियो को शेयर करते हुए श्रीनिवास बीवी ने लिखा, दर्द है, निराशा है, गुस्सा है और मायूसी भी, जब मदद की सबसे ज्यादा दरकार थी। एडवाइजरी सरकार पल्ला झाड़ने में मदमस्त थी। जो सरकार है कहते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री है, हम लोग अपनी सरकार को चुनते हैं, पर उस सरकार ने हम लोगों के लिए कुछ। आप मैसेज क्या देना चाहते हैं गवर्नमेंट को और लोगों को? मैं मैसेज यही देना चाहती हूँ कि जितने भी बच्चे अभी भी फंसे हैं वहाँ खाद्य और थीम प्लीज उनको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वैक्सीनेट करिए। प्लीज पर्सनली बी ऑन द ग्राउंड, वी आर प्लीज मेनी थिंग एंड वी आप यहाँ बैठे बैठे सिर्फ ऑर्डर्स ना दें। गवर्नमेंट दावा कर रही है यहाँ से 4 मिनिस्टर को भेजा है, ऑपरेशन गंगा चला रहे हैं, लोगों को इवैक्यूएट करा रहे हैं, कुछ नहीं कराने, बिकॉज हमने अपने दम पे बॉर्डर क्रॉस किया है, कुछ और ज्यादा तो वहाँ देखने के लिए भी कोई नहीं था, एम्बुलेंस भी नहीं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और मौजूदा सांसद राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है, लिखा है भारतीय छात्रों पर सवाल उठाने के बजाय मोदी सरकार खुद से सवाल क्यों नहीं करती, संकट में फंसे छात्रों ने सरकार की क्रूरता और नाकामी का सच दिखा दिया है। सूमे में फंसे छात्रों के जिस वीडियो को श्रीनिवास ने शेयर किया है उसमें छात्र बता रहा है कि हम सूमे में फंसे हुए हैं, यहां से रूस का बॉर्डर 50-60 किलोमीटर है, सुमी में फंसे हुए हैं जो कि यहाँ से 40-50 किलोमीटर है रशिया बॉर्डर, और यहाँ से जाने में 20-25 मिनट लगेगा, और यहाँ से हम लोग जाएंगे होस्टल से निकलेंगे चारों तरफ स्नाइपर्स लगे हुए हैं, हर तरफ स्नाइपर्स लगे हुए हैं, कहीं शूट हो जाए, कहीं अटैक हो जाए, कहीं एयर स्ट्राइक हो जाए, हमेशा हर आधे घंटे हर एक घंटे पे यहाँ पे एयर स्ट्राइक हो रहा है, यहाँ पे बमबारी हो रही है। इस माइनस टेम्परेचर में आप देख सकते हैं बाहर में कितनी माइनस टेम्परेचर है, इस माइनस टेम्परेचर में हम लोग यहाँ से कैसे निकलेंगे, इतनी सारी गर्ल्स हैं, ये सिर्फ हमारा थर्ड हॉस्टल है, ये इतने जो गर्ल्स हैं ये बॉयज हैं सिर्फ थर्ड हॉस्टल के हैं, बाकी फर्स्ट हॉस्टल है वहाँ पे 200 बच्चे हैं, बाकी सेकेंड हॉस्टल है वहाँ पे 250 बच्चे हैं, बाकी सिक्स हॉस्टल है वहाँ पे 150-200 बच्चे हैं, टोटल हम लोग 800-900 इंडियंस यहाँ पे फंसे हुए हैं। हम लोग स्टार्टिंग से गुहार लगा रहे हैं, हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से गुहार लगा रहे हैं, नरेंद्र मोदी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं स्टार्टिंग से हम लोग को निकाला जाए, हम लोग यहाँ मारे जाएंगे, यहाँ मर जाएंगे, यहाँ पे निकलेंगे हम लोग खुद से यहाँ मर जाएंगे, प्लीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हम लोग की हेल्प कीजिए, हम लोग इधर देखिए इतने सारे स्टूडेंट्स है बाहर, इतने सारे स्टूडेंट्स फंसे हुए, हम लोग की हेल्प कीजिए नहीं तो हम लोग मर जाएंगे, ये आप देख सकते हैं कितने सारे स्टूडेंट्स है यहाँ पे, प्लीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लीज हम लोग के लिए कुछ कीजिए, हम लोग को रेस्क्यू कीजिए जल्द से जल्द, हम लोग के पास खाने के लिए बनाने के लिए पानी नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ पे, टॉयलेट जाने के लिए नहीं है हम लोग के पास पानी, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग बहुत परेशान है, पीने के लिए पानी नहीं है, कल रात से हम पानी नहीं पिए, लोग पानी नहीं पिए, बहुत परेशान है, प्लीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हेल्प कीजिए हम लोग का, नहीं तो हम लोग मारे जाएंगे यहाँ पे, प्लीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस वीडियो पर श्रीनिवास ने लिखा, काश मोदी जी इनके दर्द को देख सुन और समझ पाते। वहीं एक और जिस वीडियो को श्रीनिवास ने साझा किया है उसमें एक अन्य छात्रा बता रही है कि वो लोग पिछले 9 दिन से हॉस्टल में फंसे हुए हैं,
Students of Sumi State University. Sumi is located just 50 kilometers away from the Russian borders. From last few days, today is the 9th day we are suffering for our survival. We don't know if we will survive more or not. Last day we had a very massive blast near to our hostel. We saw it. It was very scary. Right now we are not having water supply. We are not having electricity. We don't have food to eat. We don't know how much we will be surviving. People are just coming and telling, just wait for some days. Day by day, things are getting worse and worse. We are not able to reach to government. Government, please do something, because we don't know that today we are surviving, tomorrow it's not. Tomorrow, yesterday, the blast was just near to the hostel. Maybe today it will be here. Students over here are more than 700 people. People are just talking about Kharkiv. Please talk about Sumy State University. It is more. People who were here, the railway stations are broken. The bus stations are broken. There is no source for our transport. Also, we don't have electricity, food or water. We are suffering from last Thursday. We don't know what will happen in the very next moment. And so many fake accounts are created and misleading us to the fake information. So we want genuine information. We want to evacuate us from here as soon as possible. Please help us. Evacuation through the western sites are going well. We are so happy for that. But if the students of Kharkiv and Sumy are stuck here, the Operation Ganga will be a utter failure. And India government haven't done, until yet, Indian government haven't done anything for saving the life of the students of Sumy and Kharkiv. So please help us. This is our last request. We don't know, we will be there for the next moment to take this video and let the outer world know the situation. So please help us. वहीं एक छात्रा ने दावा किया है कि इंडियन एम्बेसी के लोगों ने रोमानिया बॉर्डर पर स्टूडेंट से कहा कि जो टॉयलेट साफ करेगा उनको पहले इंडिया लेकर जाएंगे। इस पर श्रीनिवास ने लिखा, सिंधिया जी आप किस बॉर्डर पर हैं? खुद अनाउंस कर रहे हैं कि हमारी और ऑफर दिया गया है, हम सब कम से कम 1000 बच्चे एक शेल्टर में ऑफर दिया गया है, जो बाथरूम साफ करेगा उसको पहले लेके जाएंगे। सीरियसली हम इतना स्ट्रगल कर रहे हैं और बाथरूम साफ करेंगे पहले। ये किसने कहा था आपसे? इंडियन एम्बेसी ने। अच्छा, ये कहा कि टॉयलेट साफ करिए फिर जाएंगे, जो पहले उन्होंने उनको प्रायोरिटाइज करेंगे। किसी की ऐसी हालत नहीं थी, कोई नहीं उठा। जब उन्होंने बोला कि जो पहले वॉश करेगा उसको पहले लेके जाएंगे, तब सब चलेंगे, क्योंकि बच्चे जाना चाहते थे, वहाँ से निकलना चाहते। सो आपने वहाँ किसी अधिकारी को, मंत्री, इतने सारे गए, किसी को नहीं कहा? वहाँ पे हम इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि हमें निकलना था। यहाँ छात्रों की बेसब्री तो समझ आ रही है, सामने उनको मौत दिखाई दे रही है और 9 से 10 दिन का समय बहुत ज्यादा होता है जब उम्मीद भी जवाब देने लगती है। ऐसे में उनके ये आंसू, उनकी ये गुहार सब जायज है, वो परेशान है। यूक्रेन रूस के बीच में युद्ध को होते हुए ये छात्र अपनी आंखों से देख रहे हैं, मुश्किल हालात में जीने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए जल्द से जल्द मदद की गुहार लगा रहे हैं। लेकिन इसमें कांग्रेस का कूद पड़ना, यह बच्चों की जान पर बनाई है और ये लोग इस तरह से इस मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं, वो थोड़ा गले उतरना मुश्किल है। मोदी सरकार हर संभव कोशिश कर रही है और बकायदा इस पर सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने खुद बैठकर विपक्ष के हर डाउट को क्लियर किया है, हर शंका को दूर किया है, जिसके लिए कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भारत की मोदी सरकार की तारीफ भी की। इस मुश्किल की घड़ी में साथ होने का दम भी भरा, लेकिन राहुल गांधी तो उस वक्त फोन चलाने में व्यस्त थे। आखिर इतनी गहन चर्चा के बीच में वो फोन में कर क्या रहे थे, वो तो वही बेहतर जानते होंगे। खैर, संकट की इस घड़ी में सरकार के साथ हाथ से हाथ मिलाने के बजाय उस पर इस तरह की टिप्पणी करना, कांग्रेस के इस रिएक्शन पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।